हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोलंकीज़ गार्डन पर। तो फ्रेंड्स, मेरे कई फ्रेंड्स के मैसेज आते रहते हैं कि आपने अपने गार्डन की शुरुआत कैसे की और कौन कौन से प्लांट लगाए। तो फ्रेंड्स, मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगी कि चाहे वो आपकी छत का गार्डन हो या फिर आपके ग्राउंड का गार्डन हो, आप 9-10 ऐसे प्लांट होते हैं जो कि हार्डी प्लांट होते हैं, उनको लगाकर अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो इसी की आज मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगी। तो पहला प्लांट मेरा ये रोज़ का है। आप देख सकते हैं कि मेरे पार्क के इस साइड में कितने सारे रोज़ के प्लांट हैं, पूरा पोर्शन रोज़ से भरा हुआ है। और इसमें कुछ देसी रोज़ भी हैं और यहाँ पे मेरे पास कुछ हाइब्रिड रोज़ भी हैं। देखिए कितना बड़ा फूल है इसका, और यहाँ पर भी अभी कली आई हुई है। मेरे पास इनके कई कलर हैं। और ये जो देसी रोज़ हैं, ये 12 के 12 महीने फूल देते ही रहते हैं। बस इनकी थोड़ी केयर करने की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स, ये बड़ी आसानी से कटिंग से लग जाते हैं। और इनका कटिंग से लगाने का जो मंथ होता है अक्टूबर से नवंबर, और मार्च में भी आप इनको कटिंग से बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाना चाहूँगी। ये मेरा दूसरा प्लांट है कनियर का, पिंक कनियर है, और इसको भी आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हाईवेज़ में और रोड के साइड पे, स्कूल वगैरह में ये प्लांट काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। और ये भी हार्डी प्लांट है और इसको लगाना भी काफ़ी आसान है। आप इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। देखिए कितने अच्छे सुंदर फूल आए हुए हैं पिंक कलर के, और इनमें से भी काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। अब मैंने लगाया हुआ है अपना ये तीसरा प्लांट डबल चांदनी का। और इसको डबल चांदनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डबल फूल आता है, वो भी उसका साइज़ इतना बड़ा होता है, बिल्कुल वाइट, और इतनी सुंदर खुशबू आती है कि आप इसके पास से निकलते हैं तो आपका मन बहुत खुश हो जाएगा अगर आप इसको अपने गार्डन में लगाएंगे। और इसको लगाना भी काफ़ी आसान है, इसको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ये है कॉप्सकॉम, अभी इसमें फूल आने वाले हैं, अभी आए नहीं है क्योंकि अभी ही मैंने इसको सीडलिंग से ग्रो किया, अपने काफ़ी प्लांट ग्रो करे हैं और इसमें कभी भी फूल आ जाएंगे। और इसका भी, इसमें भी मेरे पास कई कलर की वैरायटी हैं। ये मेरा चौथा प्लांट है जो कि इसका जो फूल आप देखोगे वो बहुत ही सुंदर होता है और काफ़ी टाइम तक चलता ही रहता है। और ये जो पांचवा प्लांट है जो मेरे गार्डन की शोभा बढ़ाता है, ये है बुगनवेलिया का प्लांट। ये पिंक कलर का प्लांट है फ्रेंड्स। अभी मैंने आपको बताया था कि ये हाईवेज़ वगैरह में, पार्क, स्कूल में बड़ी आसानी से मिल जाता है, और इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हो और इसकी भी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अपने आप ही, ये देखिए टाइम टाइम पर आप फर्टिलाइज़र देते रहेंगे, पानी देते रहेंगे, इनकी गुड़ाई करते रहेंगे तो ये अपने आप हरे भरे रहते हैं जैसे मेरे सारे प्लांट हैं। और इसमें मेरे पास दो कलर के हैं, एक तो ये पिंक कलर का है और मैं भी इसका दूसरा दिखाती हूँ, एक ये मेरे पास वाइट कलर का है। देखिए इसमें फूल आए हुए भी हैं, ये देखिए, और ये फूल में तो पिंक टच भी है, इधर देखिए। और अब मेरा जो छठा प्लांट है वो है हैबिकस का। देखिए कितना बड़ा बड्स आया हुआ है और ये कभी भी फूल बन जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसका जो फूल का साइज़ होता है, जो ये हाइब्रिड के हैबिकस होते हैं उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है। और ये मेरे पास 5-6 कलर हैं जो कि मैंने अपने गार्डन में इस साइड लगा रखे हैं सारे के सारे। और जो इसकी देसी वेराइटी है वो भी मेरे पास 5-6 कलर की है। इनकी भी देखिए, अब मौसम आ गया तो देखिए बर्ड्स बन चुकी हैं और फूल बन जाएंगे। और जब इनके फूल खिलते हैं काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर। और अब मेरा जो सातवां प्लांट है टिकोमा का, देखिए फ्रेंड्स कैसे फूलों से भरा हुआ है, कितना प्यारा दिख रहा है। सिर्फ मैं इन सब में अपने घर की बनी हुई फर्टिलाइज़र, किचन वेस्ट से बनी हुई, वही डालती हूँ। मैं कोई भी बाहर का केमिकल यूज़ नहीं करती और इसी की वजह से मेरे सारे प्लांट बिल्कुल हेल्दी हैं, हरे भरे।
और ये काफ़ी हार्डी प्लांट है और इसको भी आप कटिंग से भी लगा सकते हैं और सीडलिंग से भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर मेरा ये आठवां प्लांट है चंपा का। फ्रेंड्स, इसको आप सभी घरों में ज़्यादातर पाओगे। कई लोग इसको अपने घर के बाहर भी लगाते हैं, क्योंकि अगर हम इसको बड़े पॉट में लगाते हैं तो ये काफ़ी ऊंचा हो जाता है, पेड़ की तरह बन जाता है, और जो इसमें फूल बनते हैं वो भी बहुत सुंदर खूबसूरत होते हैं, वाइट कलर के। देखिए, मेरे इसमें भी बड्स बन चुकी हैं और मैंने इसको अपने पार्क के दूसरे हिस्से में लगा रखा है। देखिए, और जो नोवा प्लांट है मेरे गार्डन की जो शोभा बढ़ाता है वो है ये सूरजमुखी का प्लांट। इसका भी फूल काफ़ी सुंदर होता है। और ये मेरे गार्डन में तीन प्लांट है जिसको मैंने सीडलिंग से लगाया है और इनकी भी बड्स बन चुकी हैं, इधर देखिए। और अब मैं आपसे अपना जो दसवां प्लांट है उसको मिलवाती हूँ। ये है ललटेना का प्लांट, देखिए कितने खूबसूरत फूल आए हुए हैं इसमें। और ये मेरे पास तीन चार कलर के प्लांट हैं, ये येलो ऑरेंज कलर है और इसमें बड बन चुकी हैं, ये वाइट कलर का है। और फ्रेंड्स, इसमें जो खुशबू आती है आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितनी अच्छी खुशबू आती है, आसपास का वातावरण बिल्कुल महक जाता है। और इसको भी आप रोड वगैरह पर बड़ी आसानी से पा सकते हैं। और मैं ये चार पांच प्लांट लेके आई थी लास्ट ईयर और अभी तक देखिए कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, समर के मेरे पास और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिसकी भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये 10 ऐसे प्लांट हैं जिसको लगाकर आप अपना गार्डन बना सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें ये नहीं पता होता कि अपने प्लांट्स में क्या डालें, कितना डालें। तो ये ऐसे 10 हार्डी प्लांट हैं जिनकी केयर करनी बड़ी आसान है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।